ठीक है तो यहाँ पर ये यह जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ठीक है तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है अपन को कि एक वेरिएबल लाइन है जो कि ऑरिजिन से पास कर रही है ठीक है तो जैसा ये बोल रहा है वैसा करते चलते हैं अपन तो ये कोई एक लाइन मान ली जो कि ऑरिजिन से पास कर रही है ठीक है लेट से दिस इज ज़ीरो ज़ीरो एंड मीटिंग द टू स्ट्रेट लाइन्स तो मान लेते हैं एक ये जो स्ट्रेट लाइन है वो है टू तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर लेट से दिस इज एल वन एंड अनदर स्ट्रेट लाइन लेट से दिस इज एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू तो सिक्स एट द पॉइंट आर एंड एस रिस्पेक्टिवली ठीक है नाउ अ पॉइंट पी इज टेकन ऑन अ वेरिएबल लाइन तो ये जो ये जो लाइन पास कर रही है जीरो कॉम ज़ीरो से इस पर कोई एक पॉइंट जो है उन्होंने बोला कि पी ले लिया हमने लेट से दिस इज पी ओके ऑन द वेरिएबल लाइन फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी इफ ओ पी इज सो ओ इज ओरिजिन ओ इज ओरिजिन ठीक है इफ ओ पी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ओ आर एंड ओ एस ठीक है तो बेसिकली बात यह हो रही है कि इस पर कोई भी एक पॉइंट पी है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जो है और जो ओरिजिन से आर पॉइंट की डिस्टेंस है और जो ओरिजिन से एस पॉइंट की डिस्टेंस है ठीक है तो ओ आर और ओ एस का जो अर्थमेटिक मीन है वो ओ पी है तो बेसिकली प्राइस ऑफ ओ पी इज इक्वल टू ओ आर प्लस ओ एस ये गिवन कंडीशन है इन पार्ट ए ठीक है तो अगर हम ओ पी को अगर हम आर मान लें कि ये डिस्टेंस आर है ओ आर को अगर हम मान लें लेट से ओ आर इज ओ आर को हम मान लेते हैं आर वन ये डिस्टेंस और ओ एस की डिस्टेंस मान लेते हैं अपन आर टू ठीक है तो यूजिंग पैरामेट्रिक इक्वेशन वी कैन से दैट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन तो इस लाइन का जो इंक्लाइनेशन एंगल है वो अपन मान लेते हैं लेट से थीटा थीटा इज इंक्लाइनेशन एंगल लेट तो टेन थीटा हो गया इसका स्लोप ठीक है ये हमने मान लिया <clears throat> so, by using parametric equation, we can say x minus 0 by cos theta is equal to y minus 0 by sin theta is equal to r. So, from here, we can say that any point on this line, any point on given line, by using parametric equation, we can say that x is equal to r cos theta. एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन ठीटा एंड इर इज इक्वल टू आर वन तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा आर और अगर हम आर की जगह पर आर टू पुट कर देंगे तो वो हमें पॉइंट मिल जाएगा एस तो जो आर पॉइंट है वो आ गया हमारे पास में जो आर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास में आर वन कॉस थीटा कॉमा आर वन साइन थीटा और आर पॉइंट किस लाइन पर है एल वन लाइन पर है और एल वन लाइन है हमारे पास में एल वन लाइन इज टू एक्स प्लस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो वी कैन से दैट ट्वाइस ऑफ आर वन कॉस थीटा प्लस आर वन साइन थीटा माइनस फोर या इक्वल टू फोर दिस इज फर्स्ट लेट से नाउ इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जो एस पॉइंट है वो हो जाएगा आर टू कॉस थीटा एंड आर टू साइन थीटा क्योंकि ये जीरो कॉमा जीरो से आर टू डिस्टेंस पर है तो ये एल टू लाइन को सेटिस्फाई करेगा और एल टू लाइन हमारे पास में एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है ना तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज आर टू थीटा प्लस थ्री आर टू साइन थीटा इज इक्वल टू सिक्स और रिलेशन जो है वो हमारे पास में है जो रिलेशन है हमारे पास में वो है टू आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू टू ऑफ ओ पी इज इक्वल टू ओ आर प्लस ओ एस बेसिकली तो हम क्या करते हैं यहां से हम इसको लिख सकते हैं दिस इज सिंपली हम लिख सकते हैं आर वन इज इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाय टू कॉस टीटा प्लस साइन टीटा ओके सिमिलरली आर टू हम यहाँ से बोल सकते हैं सिक्स डिवाइडेड बाय थीटा प्लस थ्री साइन थीटा ओके ओके और हमको पता है कि हमने हमको जो लोकस बताना है वो बताना है पॉइंट पी का तो लोकस ऑफ पी तो लेट से पी को हम मान लें एच को हम बाद में तो हम लोकस के लिए उसको एक्स और वाई से रिप्लेस कर ही देते हैं ठीक है तो एच के मान लेते हैं तो एच इज़ इक्वल टू है हमारे पास में आर थीटा एंड के इज इक्वल टू है हमारे पास में आर साइन थीटा ठीक है ना तो आप देखो यहां पर अगर हम इस रिलेशन में इसको रख दें तो टू ऑफ आर ओ पी जो है वो बेसिकली आर है ठीक है ना तो टू ऑफ आर इज इक्वल टू आर वन अगर हम लिखें तो वो है हमारे पास में फोर अपॉन टू कॉस्टिटा प्लस यहां पर ये यह ये प्लस प्लस साइन थीटा एंड प्लस आर टू आर टू का वैल्यू है हमारे पास में सिक्स अपॉन थोड़ा सा जगह बना लेते हैं अपन यहां पर, यहाँ पर. तो ये है अपने पास में सिक्स अपॉन थीटा प्लस थ्री साइन थीटा ठीक है तो अभी एच एच लिखने के लिए हमको चाहिए आर थीटा और के लिखने के लिए चाहिए हमको आर साइन थीटा तो अगर हम देखो यहाँ से इसको लिख दें टू बेसिकली अगर हम आर से यहाँ पर पूरे में अगर हम आर से डिवाइड कर दें तो फोर ये क्या बन जाएगा टू आर थीटा प्लस आर साइन थीटा प्लस सिक्स अपॉन आर कॉस थीटा प्लस थ्री आर साइन थीटा अब आप देखो ये क्या मन गया टू इज इक्वल टू फोर अपॉन आर कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं एच तो टू एच प्लस आर साइन थीटा इज़ के प्लस सिक्स अपॉन आर कॉस थीटा इज़ एच एंड दिस इज थ्री के सो द रिक्वायर्ड लोकस वी आर गेटिंग इज सिंपली आप एच को एक्स से और के को वाई से इंटरचेंज कर दो बस तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगा देखो टू टू आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो वैसे तो फोर अपॉन टू एक्स प्लस वाई सिक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री वाई सिम्प्लीफाई एंड वी कैन गेट द आंसर अब बाकी जो अपने पास में जो बी और सी पार्ट है वो आप ट्राई कर सकते हो जो बी पार्ट है उसमें जो रिलेशन आएगा वो हमारे पास में क्या आएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंड फॉर बी पार्ट तो बी पार्ट के लिए आपके पास में रिलेशन आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन इन टू आर टू तो आपके पास में आर वन आर टू ऑलरेडी आपको पता है क्या है और इसी तरह से हेंड फॉर सी पार्ट इज आपको पता है कि टू बाय आर इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू बस आपको रिप्लेस कर देना है वैल्यू को जैसे कि इसको अगर हम देखें तो आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू नाउ आर वन क्या था हमारे पास में आर वन था देखो यहाँ से देखो आप आर वन था फोर अपॉन फोर अपॉन टू थीटा प्लस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सिक्स अपॉन थीटा प्लस थ्री साइन थीटा यही था अब बस लोकस चाहिए हमको तो आर स्क्वायर से अगर देखो इसको अगर मैं लिख दूँ टू आर थीटा प्लस आर साइन थीटा ठीक है ना और प्लस ओ सॉरी मल्टीप्लीकेशन में तो सिक्स आर कॉस थीटा प्लस थ्री आर साइन थीटा तो हमको पता है कि और यहाँ से हमने बेसिकली आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये वन आ गया सो अगेन दिस इज़ फोर अपॉन अभी आर कॉस थीटा को आप लिख सकते हो एक्स एच लिखोगे फिर उसको अपन इंटरचेंज कर देंगे एच को एक्स से और के को वाई से सो दिस इज सिक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री वाई सो सिंप्लीफाई कर लोगे आप ये दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस तो इसी तरह से आप इस पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हो ठीक है सो दिस इज अ गुड एप्लीकेशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ओके